एनसीएलटी चेन्नई में सुनवाई हो रही थी आज मामले की शिवा इंडस्ट्रीज एंड होल्डिंग्स को लेकर के। तो एनसीएलटी की बेंच ने यह कह दिया है कि कंपनी को लिक्विडेट कर दिया जाए, यानी यह ऑर्डर दिया है कि सी शिवशंकरन की जो कंपनी है शिवा होल्डिंग्स एंड इंडस्ट्रीज, इसको लिक्विडेट कर दिया जाए। और यह ऑर्डर इस बात पर आया है कि जो आईडीबीआई बैंक की अगुवाई में जो बैंकों ने रेजोल्यूशन प्रोफेशनल की तरफ से एक अर्जी दी थी और उसमें यह कहा था कि हम जो है लोन को वन टाइम सेटलमेंट करना चाहते हैं लोन का। और ये सेटलमेंट किससे हो रहा था? सेटलमेंट हो रहा था कि जो श्री शिवशंकरन है उनके पिता ने एक अर्जी दी थी, उनके पिता की तरफ से अर्जी सेटलमेंट किया जा रहा था, सेटलमेंट की अर्जी दिलवाई गई थी। और इस बात को एनसीएलटी के बेंच ने कहा कि किसी भी तरह से आईबीसी का जो सेक्शन 12A है उसकी अर्जी नहीं मानी जा सकती, बल्कि एक तरह से एक रिस्ट्रक्चरिंग है। और इसलिए और प्लान में ढेर सारी जो है वो अनिश्चितताएं हैं, इस वजह से यह अर्जी रद्द की जाती है और कंपनी को लिक्विडेशन में भेजा जाता है। 4,863 करोड़ रुपए का बकाया था और उस बकाए के बदले में सिर्फ 323 करोड़ रुपए में सारा सेटलमेंट किया जा रहा था, यह कहकर कि कंपनी की लिक्विडेशन वैल्यू 229 करोड़ है इसलिए हम सेटलमेंट कर रहे हैं। अपने आप में ये केस काफी चर्चा में रहा था क्योंकि इतना भारी हेयर कट, करीब 93% का हेयर कट जो है वो लेंडर्स लेने को तैयार थे और इस पर बड़ी किरकिरी भी हो रही थी। क्या इसीलिए आईबीसी लाया गया कि बैंक इतने तरह के इतने हैवी हेयर कट्स लें? तो अब जो है एनसीएलटी चेन्नई का जो ये फैसला है, ये बहुत सारे और जो दूसरे इस तरह के मामले हैं जहां पर बैंक इस तरह से सेटलमेंट करना चाहते हैं डायरेक्टली, ऐसे सारे मामलों के लिए ये एक जो फैसला है आज का ये सबक होगा।